अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही अहम पेपर शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वो पेपर है जो बटाग्राम में पीएसटी का टेस्ट दिया गया था, सीटी की टेस्ट की जगह। तो दोस्तों, ये लीक पेपर हम इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि सीटी की जगह बटाग्राम में पीएसटी का टेस्ट दिया गया था, फिर कलेक्ट किया गया दोबारा, लेकिन वो सीटी टेस्ट जो है ना वो कैंसिल कर दिया गया, उसका शेड्यूल भी दोबारा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये पेपर आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला पीएसटी का टेस्ट जो 7 फरवरी को कंडक्ट होगा, इंटेस के टेस्ट, तो ये कितना कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा। तो दोस्तों, कमेंट में आप हमसे ये शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ये टेस्ट सॉल्व करेंगे, क्यों और आप हमें ये ज़रूर बताएंगे कि आज का ये टेस्ट जो सीटी की जगह पीएसटी का जो बटाग्राम में दिया गया था, ये मुश्किल था या आसान। तो ये टेस्ट दोस्तों, ये रियल टेस्ट हैं, फेक नहीं है, बिल्कुल रियल टेस्ट हैं। तो दोस्तों, चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब, और इस चीज़ के एमसीक्यूज को हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जनरल साइंस का पोर्शन है, 41 एमसीक्यूज हैं। बुटेन है जहनी, बुटेन में कितने कार्बन या हाइड्रोजन होते हैं? तो दोस्तों, बुटेन में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं। तो दोस्तों, इसमें डी वाला कॉरेक्ट है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, ये केमिस्ट्री का एमसीक्यूज है। इसके बाद है 42, इन ह्यूमन द जीन ऑफ फ्री एयर लोब्स इज हाली जगह टू अटैच एयर लोब्स, यानी इंसान के जीन में जो फ्री लोब जो कान में होते हैं, उसमें जो उसको गोशा भी कह सकते हैं, तो अटैच होते हैं लोब के साथ, तो इसको डोमिनेंट कहते हैं। इसमें बी वाला दोस्तों कॉरेक्ट है, डोमिनेंट इसकी नमाया मानी है। इसके बाद हैं एमसीक्यू, तो इन हाली जगह डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्प्लीटली एबसेंट, यानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर होता है, तो किस में हाथ होता है? तो ये टेप वारम, यानी जो कीड़ा है, ये टेप वारम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर एबसेंट होता है, गैर हाजिर होता है। इसके बाद है एमसीक्यूज, इन एटमॉस्फेयर 760 मिलीग्राम ऑफ हेक्टोग्राम एच इज इक्वल टू केपीए, यानी ये कितने के बराबर होता है फिजा में, एटमॉस्फेयर में? तो दोस्तों, इसमें बी वाला कॉरेक्ट है, 101.325। तो दोस्तों, ये बी वाला इसमें कॉरेक्ट है, 101.325 केपीए एटमॉस्फेयर, यानी 760 मिलीमीटर एचजी में, हेक्टोग्राम में बराबर होता है। इसके बाद हैं दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड इज अ हेलिस्ट्रिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की मानी है अब जब विरासत के हैं दोस्तों, तो इसमें से कौन से को हेलिस्ट्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें डी वाला कॉरेक्ट है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक इनहेरिटेंस इसको कहते हैं। बहुत ही दोस्तों मुश्किल एमसीक्यूज है, पेपर क्लियर नहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से हमें पढ़ने में मुश्किलात पेश आ रही है। तो दोस्तों, प्रोनंसिएशन में जो हमसे मुश्किलात पेश गलती होती है, तो दोस्तों इसके लिए हम माजरत ख्वाह है। तो दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इज अ काइंड ऑफ रेडियोलॉजी टेक्निक दैट यूज मैग्नेटिज्म रेडियो वेव्स एंड कंप्यूटर टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ ए बॉडी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इसको किस काइंड, इसको किस किस्म कहते हैं, काइंड कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें कहते हैं एमआरआई स्कैन, यानी इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, एमआरआई। तो दोस्तों, इज अ काइंड ऑफ रेडियोलॉजी टेक्निक, इसमें बी वाला कॉरेक्ट है। इसके बाद है स्टैंडर्ड किलोग्राम इज़ द मास ऑफ हाली जगह एलो सिलेंडर किप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेयर नियर पेरिस। तो ये फिजिक्स का एमसीक्यू है, स्टैंडर्ड किलोग्राम जो है ना कीमियत है, रखा गया है सिलेंडर की शक्ल से जो फ्रांस में रखा गया है, फ्रांस के शहर पेरिस में। तो दोस्तों, इसका एक चीज़ इसका बना हुआ है, तो दोस्तों ये बना हुआ है प्लैटिनियम और इरिडियम का। तो दोस्तों, इसमें बी वाला कॉरेक्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेस्ट है दोस्तों। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मास इन वेलोसिटी। तो इसमें ये किसका फार्मूला है प्रोडक्ट का? तो इसमें लीनियर मोमेंटम इसका फार्मूला है, मास इन वेलोसिटी MvP = MV। तो दोस्तों, ये लीनियर मोमेंटम है। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज, द कैपेसिटी ऑफ चश्नप वन इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी चश्नप वन में कितनी बिजली वाटर बिजली की पैदा करने की गुंजाइश है? तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है 300 मेगावाट। तो इसमें बी वाला कॉरेक्ट है। इसके बाद है सिगरेट स्मोक
कंटेन्स मोर देन खाली जगह केमिकल। सो इसमें सिगरेट के धुएँ में होते हैं कितने ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो दोस्तों इसमें सी वाला करेक्ट है, 4000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं सिगरेट के या स्मोक होता है, धुआँ होता है। तो दोस्तों इससे बात है नेक्स्ट एम सी क्यूज़ और मेथ्स का एम सी क्यूज़ है, और इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। If k is equal to kx is equal to very inversely to y, अगर x और y में बराह रास्त ताल्लुक हो, मतलब है x is equal to 10 then y is equal to 12, find the value of y when x is equal to 6, तो x की कीमत कितनी होगी अगर y की कीमत 12 होगी, तो दोस्तों x की कीमत 1 होगी क्योंकि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, y जितना बढ़ेगा ऐसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर x y 12 होगा तो 106 होगा, इन्वर्सली में एक जब ज़्यादा होता है और दूसरा कम होता है, यानी एक 12 से 6 माइनस करने से हमारे साथ जवाब आता है 6, और दोस्तों इसमें ए वाला करेक्ट है। दोस्तों हम इसको ज़ुबानी हल करेंगे क्योंकि टाइम कम है, और अगर आपको हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हल करें तो दोस्तों हमारे साथ वक्त भी ज़्यादा ज़ाया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई मुश्किलात पेश आ रहे हो तो आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है मेथ्स का नेक्स्ट एमसीक्यू, फाइंड द वर्क डन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग अ वेक्टर 4i+5k इन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 3i+2k। तो दोस्तों ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एमसीक्यू है, इसका आंसर तकरीबन -22 आता है। ये इसमें कोई अगर आप ऑप्शन में हमें इसका जवाब दे सकते हैं तो दोस्तों शेयर कर सकते हैं आप इसका करेक्ट जवाब हमारे साथ, तकरीबन इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आता है, हम इसको सी वाले को करेक्ट करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू, 1 degree इज इक्वल टू हाल जगह सेकेंड, 1 degree में कितने सेकेंड होते हैं, दोस्तों इसमें 360 सेकेंड होते हैं, तो दोस्तों ये इसमें बी वाला करेक्ट है। इसके बाद है एक्स इज इक्वल टू 4x+1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x² +5x, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एफ एक्स अंडर छोटी ब्रिकट बंद यानी दरमियानी बड़ी ब्रिकट बंद। तो दोस्तों इसकी कीमत आपने मालूम करनी होगी, एफ एक्स दिया गया है 4x+1 और जी एक्स दिया गया है 2x², तो इसमें आपने वैल्यू पुट करनी होगी और जी एक्स की एफ एक्स की कीमत मालूम करनी होगी। तो दोस्तों इसकी कीमत हमारे साथ आता है 0, ये भी बहुत मुश्किल एम सी क्यूज है, ये पी एच डी के लेवल से ज़रा ऊंचा है इसका जो मतलब है इसकी जो क्वालिटी है। तो इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एम सी क्यूज मैथ्स का एम सी क्यूज है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक ऑफ -4, 3, 3, 7, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, तो दोस्तों इसका डिटर्मिनेंट आता है हमारे साथ इसका करेक्ट आंसर है -34 यानी 34 इसका डिटर्मिनेंट आता है। अगर इसको आपको दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, इसको ये आपस में -4, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को मल्टीप्लाएंगे, इससे 28 आता है, 28 से 6 माइनस करेंगे -28, -6 तो इससे आता है -34। तो दोस्तों एस एम सी क्यूज का जो करेक्ट आंसर था वो हमारे साथ किया था -34, ए वाला इसका करेक्ट था, तो दोस्तों इसमें हमने सॉल्व किया। इसके बाद हैं -3 अंडर क्यूब अंडर द रूट क्यूब तो इज इक्वल टू, तो ये -3 अंडर द रूट क्यूब किस किस के बराबर है, तो दोस्तों ये ही इसको अगर आप हल करें इसका क्यूब लें फिर इसको मतलब है क्यूब आपस में कैंसिल करें तो इससे जवाब आता है इसका बी वाला -4 आता है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर करके दिखाया गया है हल करके, 64 का क्यूब लिया गया है और फिर 4 का क्यूब लिया, 4 को 3 दफ़ा ज़रब करने से 64 आता है, 4 क्यूब 3 और 3 आपस में कैंसिल करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब -4 आएगा। तो दोस्तों ये हम भी ज़ुबानी सॉल्व करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एमसीक्यूस है, इफ़ log2 power इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 100 देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अगर log2 power 64 इज इक्वल टू 100 हो तो हमें x की कीमत क्या होगी, तो आप दोस्तों इसको कुवत नमाई शिकल में लिखेंगे जैसे कि आप हमने इसको थोड़ा सा हल किया है, इस तरह हल करेंगे log2
पावर 64 इज इक्वल टू एक्स को तमाई शक्ल में लिखने से इसकी कीमत इस तरह आएगी, 2 का पावर x इज इक्वल टू 64 और 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 और 2 और 2 आपस में कैंसिल करेंगे तो इसकी कीमत हमारे साथ आएगी 6। तो दोस्तों इसमें 6 मौजूद है और ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसके बाद है नेक्स्ट MCQ, ये 6 आंसर है। इसके बाद है इस नेक्स्ट MCQ, x इज इक्वल टू -2 दिन px इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x -1। तो px की क्या कीमत होगी, तो x की कीमत तो लगाएं इस जो अलजेब्रिक फार्मूले में आपके साथ आंसर आएगा, जैसे कि हम ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व करते हैं। इसकी कीमत आप लगाएंगे -2, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे जमा -2 -1, तो आप 3 4 12 12 -4 -1, तो इसके बाद 12 -5 12 -5 से क्या आता है, 12 -5 से आता है 7। तो दोस्तों इसका जवाब आता है 7 आता है जब इसकी कीमत आप पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, 7 है, जिसको हमने ऑलरेडी बी वाले को करेक्ट किया है। इसके बाद है मेयर ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 10 and 14, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी द थर्ड साइड, यानी एक मुसलस है इसके दो साइड का लंबाई है, एक का 10 है दूसरा का 14 है, तो थर्ड की लंबाई कितनी होगी, थर्ड की दोस्तों लंबाई होगी कितनी होगी, ये 22 होगी। तो दोस्तों ये मेयर फार्मूले के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है नेक्स्ट MCQ और इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1/2 इज, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो दोस्तों ये भी इफिसी लेवल का MCQs है, इसमें बी वाला करेक्ट है। सॉल्व करने से बहुत टाइम लगेगा लेकिन हमें आपकी ज़ुबानी बताते हैं कि इसका जवाब जो है ना बी वाला करेक्ट है। इसके बाद है 2 iota मल्टीप्लाई 2 iota इज इक्वल टू, यानी iota की कीमत तो i फॉर iota लिखा है। तो दोस्तों ये सॉल्व करने से आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब 5 आएगा। तो इसको iota की कीमत जो आपको मालूम है 1 है, इसको आप सॉल्व करें तो आपके जवाब 5 आए। तो ये भी बहुत FEC का MCQs है, बहुत ही मुश्किल है, PTC लेवल का नहीं है। इसके बाद MCQs है फाइंड द वर्क डन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट ए लॉन ए वेक्टर 4 iota प्लस 5 k इन अप्लाइड फोर्स इन इज -3 iota प्लस 2 k। तो ये बहुत MCQs जो FEC लेवल का है, इसका आंसर हमारे साथ -22 आता है अगर हम इसको सॉल्व करें। तो इसके बाद MCQs है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा 1/2 इज इक्वल टू 2√ इन साइन 2θ इज इक्वल टू, तो साइन 2θ की कीमत आपने मालूम करना है। तो दोस्तों ये भी मुश्किल MCQs है, अगर इसके लिए आपकी कीमतों मालूम करनी होगी, यानी जैसा कि आप साइन थीटा 1/2 हैं, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा बराबर है 2√ के, तो हमारे पास फार्मूला है साइन 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा की कीमत 2 sin θ, साइन थीटा की कीमत है 1/2 √ और कॉस थीटा की कीमत है 2√, तो उसको आप कैंसिल करेंगे तो हमारे साथ जवाब आता है 2 आता है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 2 है, करेक्ट सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे लीक पेपर जो PST के था CT की जगह बैटाग्राम में दिया गया था। तो दोस्तों ये हमने आपके साथ शेयर किया, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप दोस्तों कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं और हमसे मतलब है हमारे करेक्शन को करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अल्लाह करे कि ऐसा टेस्ट न हो जो आने वाला टेस्ट है 7 February को कंडक्ट होना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ये सीट का जो टेस्ट हुआ था SCB पेपर हुआ था सीट का 24 January को, इसी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अल्लाह हाफिज़।